बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब। सो आज मैं आपके साथ जिन वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो वैकेंसीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इनकी अनाउंसमेंट की गई है। और इसमें जो है वो बताया गया है, साफ साफ एडवर्टाइजमेंट पर भी शो करवाया गया है कि आप जो है वो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। और इसमें जो अप्लाई करने की आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर 2021 है, और 31 दिसंबर तक आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनमें क्राफ्ट सुपरवाइज़र की वैकेंसीज़ है, जिनमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इनमें मर्द हज़रात भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ वैकेंसीज़ में ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद इनमें बहुत ही शानदार वैकेंसीज़ हैं जिनमें बेसिक पे स्केल 11 से ले कर 6 तक जो वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। और उम्र की बात की जाए तो 18 से 25 साल तक की जो मर्द और ख्वातीन की जो उम्र है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। सो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात को जानने के लिए और इनमें अप्लाई वगैरह कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो को कंटिन्यू आपने देख लेना है, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरह नौकरियों के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं और सबसे पहले अपडेट हासिल करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में पड़े बेल आइकन को लाजमी से दबा लो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह आपको ऐसी नौकरी की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। इन जॉब्स की तफसीलात को जानने के लिए, इनकी मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए, इनका जो ऑफिशियल एड को रीड करने के लिए आपने सबसे पहले किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहां पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है ग्रीन GREEN ग्रीन GOBS Jobs 9। सिंपल आपने ग्रीन जॉब्स 9 टाइप करना है और यहां पर हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है greenjobs9.com। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद ये इस पर जो है मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई है, अगर आप खुद रीड करना चाहो तो कर लीजिएगा, बाकी मैं मुकम्मल तफसीलात आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, नीचे की जानिब स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहाँ पर देखिए पहली पोस्ट आपको शो होगी कि लेटेस्ट जॉब्स इन पंजाब 2021, गवर्नमेंट जॉब्स इन पंजाब 2021। सिंपल आपने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। सो जैसे आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे सो नेक्स्ट पेज आपके सामने शो हो जाएगा जहाँ पर इनकी मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे ये पेज ओपन होगा सो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपने सिंपल स्क्रॉल ऑन करते जाना है। सो यहाँ पर इनकी मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इनका जो ऑफिशियल एड है वो रीड करके आपको समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पे बताया गया कि महकमा सोशल वेलफेयर बैतुलमाल रावलपिंडी डिवीज़न में खाली मुस्तकिल असामी पर 2004 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्तियों के लिए दर्ज ज़ैल शरायत पर पूरे उतरने वाले सुबह पंजाब के सकूनती उम्मीदवारों से 31 अगस्त 2021 तक दरख्वास्तें मतलूब हैं, टेस्ट इंटरव्यू के लिए बाद में मतला किया जाएगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले क्राफ्ट सुपरवाइज़र की पोस्ट है फीमेल्स के लिए, बेसिक पे स्केल 11 है, कुल असामियाँ 10 हैं, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 9 है, 2 वैकेंसीज हैं, इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। जूनियर कलर की पोस्ट है, बेसिक पे स्केल 11 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, उम्र जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट या सेकेंड डिवीजन या इसके मसावी तालीम का हामिल होना लाजमी है। मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर की पोस्टें हैं, बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, इसमें आपकी बीकॉम होनी चाहिए, मुतलका फील्ड में 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए, उम्र जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। वार्डन की पोस्टें हैं, ठीक है, नंबर 5 पर वार्डन की पोस्टें हैं, बेसिक पे स्केल 11 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, और उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम अज़ कम सेकेंड ईयर के साथ, और उसके बाद उम्र जो 18 से 25 साल होनी चाहिए। नंबर 6 पर स्टोर कीपर की पोस्ट है, बेसिक पे स्किल 11 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, हुकूमत की मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उम्र 18 से 25 साल है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट टीचर की पोस्टें हैं ख़वातीन के लिए, इसमें जो बेसिक पे स्किल 8 है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, और उम्र जो 18 से 25 साल है, हुकूमत की मंजूर शुदा बोर्ड से आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। नर्सरी टीचर की पोस्टें हैं, ये भी फीमेल्स के लिए ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 2 हैं, बेसिक पे स्केल 8 है, इसमें आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए सेकेंड ईयर के साथ, उम्र जो है 21 से 25 साल होनी चाहिए। टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ख़वातीन के लिए, इसमें भी आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। मजहबी मुअल्लिमा की पोस्ट है, ठीक है, इसमें आपका दर्स निज़ामी कोर्स होना चाहिए और उम्र जो है वो आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए, बेसिक पे स्केल जो है वो 8 है और नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं।
हाउस मदर की वैकेंसी है ख़वातीन के लिए, सो इसमें बेसिक पे स्किल्स 6 हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, कम अज़ कम साइकिल इवेंट के साथ, उम्र जो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने का तरीकाकार भी यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर कुछ शराइत और ज़वाबत लिखे हुए हैं, ये आपने ख़ुद आकर रीड कर लेने हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करने से पहले रीड करने, ठीक है। और बताया गया कि उम्मीदवार हर तरह से मुकम्मल दरख्वास्त बमाए मुस्तका नकुल तलीमी असनाद सर्टिफिकेट डोमिसाइल पंजाब का तजर्बा शनाख्ती कार्ड 2 अदद पासपोर्ट साइज की तस्वीर दर्ज जेल पते पर अरसाल करें। पता कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लास्ट में पता भी लिखा हुआ है, डिविजनल डायरेक्टर चेयरमैन डिविजनल रिक्रूटमेंट कमेटी महकमा सोशल वेलफेयर बैतुलमाल, ठीक है, कन्हा रोड मुस्लिम टाउन रावलपिंडी, ठीक है। सो इस एड्रेस पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, किसी भी तरह के टेस्ट फ़ी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ यहाँ पर बताया गया कि आपको जो है वो बाद में आगाह कर दिया जाएगा टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, जस्ट आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये पोस्ट आपने शेयर लाजमी से करके जानी, चाहे फेसबुक पर कर दें चाहे व्हाट्सएप पर कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप इसको शेयर करोगे तो आपके आपके जितने भी दोस्त होंगे उनकी भी हेल्प होगी अगर वो जॉब की तलाश में, सो लाजमी से शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। नीचे आपको जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज है जिनमें पाकिस्तान बैतुलमाल की मजीद वैकेंसीज हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज हैं, PPSC की वैकेंसीज हैं, सो इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सो आप इनको भी चेकआउट करके जाइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर आकर आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपने कॉमेंट लिखना है, उसके बाद नाम ईमेल लिखने के बाद कॉमेंट कर सकते हो।